हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम देकर आए होंगे भाई आप लोग। आज साइंस का सेक्शन आपने अटेम्प्ट किया होगा, अच्छा किया होगा। एग्जाम वाज इजी एग्जाम था, आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं उस पेपर को, लेट्स डिस्कस इट। सिंपल सा क्वेश्चन था पहला हमारे पास, कि हमारे पास एक गोलीय दर्पण था, एक हमारे पास वक्रीय दर्पण, मतलब हमारे पास एक कर्व्ड मिरर था, और आपको रिलेशन बताना था रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ, फोकस दूरी के बीच में। हमको पता है भाई f बराबर में क्या होता है, r बाय 2। तो आपने r कितना निकाला होगा, 2f। r कितना निकाला होगा, 2f। तो आपका आंसर b ऑप्शन, पहले का आंसर b करा होगा आपने, इट वॉज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि अगर आप एक नींबू को, एक लेमन को वाटर ग्लास के अंदर, मतलब ग्लास ऑफ वाटर है उसमें डालते हैं, तो सबको पता है कि इट अपीयर्स टू बी लार्जर इन साइज, वो आकार में बड़ा लगता है। रीजन भी हमको पता है, उसका रीजन क्या होता है कि जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ड्यू टू रिफ्रैक्शन साइज विल इंक्रीज। आगे चले, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एक पतली झिल्ली, लाइट एंटर्स दी आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, एक पतली झिल्ली से प्रकाश जो है वो हमारी आंख में प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं, उस पतली सी चीज को आप लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन था आपके पास रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल और आयरिस। भाई रेटिना तो आपके पास इमेज बनाता है, कॉर्निया आपका हो नहीं सकता, लाइट एंटर करती है प्यूपिल से, तो आपका आंसर होगा पुतली, हिंदी में, इंग्लिश में प्यूपिल। और आयरिस जो होता है वो लाइट को कंट्रोल करता है, वो प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। जिन्होंने किया होगा वो चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन सर, वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले, हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म। भाई थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपका। साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कांच का प्रिज्म उपयोग किया था जिससे प्रकाश का स्पेक्ट्रम मिला था। ही वॉज इसाक न्यूटन, उनका नाम था आइसेक न्यूटन, उनका नाम था आइसेक न्यूटन। आपने मार्क किया होगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है एक इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर, जैसे घर में फ्रिज होता है वैसे इंडस्ट्रीज में भी होता है, और वो 5 किलोवाट पावर, 5 किलोवाट शक्ति को लेता है, कितने घंटे काम करता है रोज का, 10 घंटे वर्किंग 10 आवर्स डेली, और कितने दिन के लिए काम करता है, वर्किंग फॉर 30 डेज, वर्किंग फॉर 30 डेज, और कॉस्ट आपको दे रखी है 4। तो हमने सीखा हुआ है ये भी आपको आता है, कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट होता है टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा इनटू में आपके पास कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट, यही तो दे रखी है आपको। तो आपके पास कुल ऊर्जा कितनी होती है, वो शक्ति गुणा में समय, पावर इनटू टाइम होता है, तो आपने डायरेक्ट किया होगा 5 इनटू में 10, कितने दिन तक किया जी, 30 डेज तक, किस रेट से किया, 4 रुपीज के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आ गया होगा 300 × 20, तो आपका आंसर आया होगा 6000, योर आंसर वॉज 6000, इजंट इट। तो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट आंसर। इसको मैच कर सकते हैं, अपना पेपर आप करके आए हैं उससे मैच करिए, ताकि अभी पता चल जाए हम कहां पे कितना स्टैंड करते हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इसके स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड होती हैं, जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्लोज्ड वक्र बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं, और अगर बंद बनाती हैं तो ओपन नहीं बना सकती, तो आंसर वॉज सी ऑप्शन, आंसर वॉज सी ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करके आए हैं, इट वॉज क्वेश्चन नंबर दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फिर से आपको पूछ रहे थे कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं,
आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज 100% करेक्ट। बकमिंस्टर इज एन एलोट्रोप, दैट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। नेक्स्ट वन इज डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कौन सा सही नहीं है। डायमंड जो है वो अच्छा चालक नहीं होता, पर इन्होंने लिखा है कि वो अच्छा चालक है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करा होगा एग्जाम में, इट वॉज क्लोरोप्रोपेन अणु, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपको बताना है कि C3H7Cl के अंदर कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। C3 दैट मींस कि हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर नीचे इधर आप हाइड्रोजन लगाएंगे इसमें, इस तरफ भी अगर मैं चाहूं तो मैं हाइड्रोजन लगा सकता हूं, इधर ऊपर हाइड्रोजन नीचे Cl, isn't it? चेक कर सकते हो, 3 और 3 6 और 1 7, 7 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन एंड 3 कार्बन। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर? 3 ओवर हेयर 3 ओवर हेयर 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज योर 10। आंसर इज 10। इज इट क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड आपको बताना है तो चेक कर सकते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, आपको क्लियर करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। हम सबको पता है कि किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई उसके एटॉमिक नंबर से करते हैं, परमाणु क्रमांक, तो वो इसका मोस्ट फंडामेंटल है, वो इसकी मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको पता होगा थ्योरी का क्वेश्चन है, तो हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन्स? ही वॉज जेम्स चैडविक, आंसर है जेम्स चैडविक। थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर है? द क्वेश्चन वॉज लाइक दैट, एटॉमिक मास जो है आपके पास किसी एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ व्हाट? हमको बता भाई, मास तब निकलता है जब हमारे पास मास नंबर होता है। वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक मास ओनली व्हेन वी आर हैविंग मास नंबर, एंड मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कीमोथेरेपी प्रोसेस होता है कैंसर के अंदर, और उसके अंदर हम एक आइसोटोप यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। वी आर यूजिंग एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट 60, दैट मीन्स अवर आंसर इज कोबाल्ट। हमारा आंसर है कोबाल्ट। थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द थ्योरी पार्ट। अगला आपके पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स मे प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वॉटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब होता है आपके पास एक सेल के जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर कौन सा ऐसा, ये जो आपके पास चीजें दे रखी हैं इनमें से कौन चीज ऐसी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा एक्सेस वाटर और वेस्ट। जो अधिक मात्रा में जल होता है या जो अंदर गंदगी होती है उसको सेल के बाहर फेंकने में कौन मदद करता है? सबको पता है, अगर बायो हमने 10th क्लास तक की भी पढ़ी है, तो वो है आंसर वैक्यूल। वो आंसर है वैक्यूल, धानी लिखा हुआ है आपके हिंदी में, आप इसको चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के साथ। नेक्स्ट आपके पास फिर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। इसको आप जीएस के अंदर भी डाल सकते हैं और इसको आप बायो का भी हिस्सा मान सकते हैं, हमें तो आंसर से मतलब है। तो आपको पता होगा कि अगर आप एक बार में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स फसलों को उगाते हो तो उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग का नाम दिया जाता है, उसे मिश्रित फसल कहा जाता है।
उसे मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। गलती यहां पे होती है जिन्होंने मिक्स्ड फार्मिंग लिखा होगा। चेक कर सकते हैं अपना आंसर। आजकल के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। वो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंटीबायोटिक्स के बारे में। हम एंटीबायोटिक लेते हैं और एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर कैसे काम करता है, तो आपको पता है कि कोई वायरल तकलीफ, वायरस के कारण होने वाली तकलीफ में आपके डॉक्टर आपको सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी कि टेकिंग एंटीबायोटिक्स क्योर वायरल इंफेक्शन। एंटीबायोटिक्स लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है। ध्यान रखिएगा, विषाणु संक्रमण के उपचार के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम में मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो मेल जो है उनके अंदर इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, प्रजनन तंत्र में इनमें से कौन सी चीज उपस्थित नहीं होती। हमको पता है जो चीज उपस्थित, जो प्रेजेंट नहीं होता, वो आपका गर्भाशय जिसको सर्विक्स कहते हैं। ये लेडीज में होता है, ये जेंट्स में नहीं होता, ये लेडीज में होता है, ये जेंट्स में नहीं होता। दैट इज वाई इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों पार्ट्स जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी होने का कारण नहीं है, कौन सा एक कारण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को कम होने में इनमें से कौन सा रीजन नहीं हो सकता, कौन सा रीजन। हमें पता है बायोडायवर्सिटी जो है उसको कम करने के लिए हमको या तो प्रदूषण पॉल्यूशन चाहिए, या हमको पेड़ों की कटाई करनी है अच्छे से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन चाहिए। तो वो ऑप्शन जो ऐसे होंगे जिसके अंदर आपके पास किसी चीज की कमी हो, प्रदूषण हो, या आप कहीं पे जंगल में जाके खेती करना शुरू कर दें, इंक्रोचमेंट बोलते हैं, तो उसके कारण बायोडायवर्सिटी होती है, उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी होती है। मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब है कि आपने उपवनों का रखरखाव करा हुआ है, आप जंगलों को बनाए रख रहे हैं, और जब जंगल को बनाओगे तो बायोडायवर्सिटी कम नहीं होगी, वो मेंटेन्ड रहेगी। या हो सकता है कि आप क्षेत्रफल बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, तो वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है। भूजल का मतलब अंडरग्राउंड वाटर, ये लिखा हुआ है सर, डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। तो बोल रहे हैं कौन सा कॉज, कौन इसका रीजन नहीं है। हमको पता है जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पे ग्राउंड वाटर अच्छा रहता है, कम नहीं होता। तो ऑप्शन पहला ही था आपके पास, एफॉरेस्टेशन, यानी कि जहां पेड़ लगाए जाएंगे वहां ग्राउंड वाटर जो है, अंडर वाटर टेबल जो है वो अच्छा रहता है, तो इसका रीजन नहीं हो सकता। तो पहला वन रोपण सिंपल क्वेश्चन था, थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो ये आंसर कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। हमको पता है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ उसकी होती है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, अगर आपने विद्युत चुंबकीय तरंगे करके गए हो तो आपको पता है कि लास्ट में हमारे पास आता है गामा किरणें, सबसे कम होती है गामा किरणों की, जो इस ऑप्शन में नहीं था। तो इसका मतलब गामा से पहले वाला हमारा आंसर होगा, और गामा से पहले आती है एक्स किरण, सबसे कम इसकी तरंग दैर्ध्य इन ऑप्शंस में से है। वैसे आंसर ये होता है पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर होगा एक्स किरणें, एक्स रेज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति, हाउ टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, किस डिवाइस से करंट की डिटेक्शन की जाती है? हमको पता है मेजरमेंट के लिए एमीटर होता है और डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन चेक कर लेना, आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉम्पोजिशन इन बायोगैस। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोनेंट, जो भी आप कह रहे हैं घटक, याद रखिएगा बायोगैस के अंदर जो मेन दो चीजें होती हैं, बायोगैस में मेन दो चीजें होती हैं CH4 और दूसरा होता है आपके पास CO2। CH4 और CO2, उसमें इसकी परसेंटेज थोड़ी फालतू होती है, तो ये मेन कॉम्पोनेंट होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर मीथेन है तो मीथेन आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूजन हो सकती थी वो CO2 और मीथेन में हो सकती थी, पर CO2 जो है वो CH4 से कम, तो मेन कॉम्पोनेंट इज मीथेन, क्योंकि जलता तो मीथेन है सर। अगला क्वेश्चन, सन अपीयर्स रेडिश सुबह और शाम के समय, आपको सूर्य लाल रंग का नजर आता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि आपकी जो सनलाइट है जब वो एटमॉस्फेयर में आती है तो वहां से वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो प्रकीरित हो जाती है, तो सूर्य के प्रकाश के प्रकीरण के कारण या स्कैटरिंग की वजह से आपको वो रेड कलर का दिखता है। अगेन अ प्योर थियोरिटिकल क्वेश्चन, सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन था, आप लोगों ने करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक लेंस है जिसका पावर, जिसकी शक्ति दे रखी है +2 डायोप्टर +2 डायोप्टर, और इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सारे स्टेटमेंट्स को अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो सब में फोकल लेंथ निकालनी है, और हमें पता है कि f बराबर में 1 बाय पी होता है, तो f मेरे पास आएगा 1/2, दैट इज प्लस में 0.5, और प्लस किसका होता है? प्लस होता है उत्तल लेंस का, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का। तो ऑप्शन ढूंढना था बस, खाली इतना सा हमको पता है, सिर्फ ऑप्शन ढूंढिए। तो ऑप्शन शायद ये होगा कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर सी। यू हैव टू डू दिस, सिंपल सा क्वेश्चन था, करा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, हम लोग इसको NaHCO3 बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है केक्स बनाने में, ब्रेड्स के अंदर, बेकरी के अंदर एज सच। क्यों किया जाता है? कि जब आप इसको हीट करते हो, इसको गर्म करवाते हो, तो इसमें से CO2 गैस निकलती है, और ये गैस की वजह से आपके बेकरी प्रोडक्ट्स, जो बेकरी के उत्पाद होते हैं, वो फ्लफी सॉफ्ट हो जाते हैं और फूले हुए थोड़े से बड़े लगते हैं साइज में। तो आंसर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करके आए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल जल के अणु बताने हैं कॉपर सल्फेट में। आपको पता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, और तीसरा जिप्सम होता है CaSO4.2H2O। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 5, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच आर प्रेजेंट आर 5, 10 and 2 रिस्पेक्टिवली, तो विच विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, दीज आर दी फॉर्मुलेस, ये इनके फॉर्मूले हैं, सूत्र आप चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सर, टर्मरिक हल्दी सुना है भाई हमने, अगर हल्दी कपड़े पे लग जाती है और हम उसको धोने के लिए डाल देते हैं, उसको वॉशिंग पर्पसेस में डालते हैं, तो जब सोप के कॉन्टैक्ट में आता है तो सोप एल्कलाइन मीडियम है, सोप जो है वो आपका एल्कलाइन मीडियम है, एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय माध्यम, और अगर वो क्षारीय माध्यम है तो आपका जो टर्मरिक होता है वो पहले पीले रंग का होता है, उसके बाद वो रेडिश
गहरा लाल रंग का बनता है और उसके बाद वापस वो पीले रंग का दाग हमारे कपड़े पे रह जाता है। तो ऑप्शन वॉज बी, ऑप्शन वॉज बी। ध्यान रखना था आपको सिर्फ ये, क्योंकि पहला और तीसरा भी ध्यान होगा तो दूसरा तो अपने आप मिल जाता। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करा है वो ये कि जो विरंजक चूर्ण होता है, यानी कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, और DDT को कहते हो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही? ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला डाइक्लोरो, दूसरा क्या बोला डाइफ्लोरो, और तीसरा आगे क्या बोल रहा टेट्राक्लोरो इथेन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर ऑप्शंस मेरे को दिए थे कि दोनों में क्लोरीन होता है, दोनों में कैल्शियम होता है, दोनों कार्बनिक हैं, दोनों अकार्बनिक हैं। बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बोथ कंटेन क्लोरीन, बोथ कंटेन कैल्शियम। तो ऑप्शन में जो डाउट वाला सिचुएशन था वो था आपका सी और ए, जो थोड़ा सा डाउट वाला था वो था ए और सी, क्योंकि दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम डाल सकते हैं। तो आंसर फिर भी आपने जो मार्क करना था, इट वॉज मोर अप्रोप्रिएट बोथ कंटेन्स क्लोरीन, दोनों में क्लोरीन है, दोनों में क्लोरीन है। इज इट क्लियर, बोथ कंटेन्स क्लोरीन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास कि इनमें से सबसे अच्छा जल शुष्क, मतलब वाटर को रिमूव, मॉइस्चर जो होता है हमारे आसपास कहीं आर्द्रता है, जैसे बाथरूम होते हैं तो वहां पर आपके ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, आर्द्रता अधिक होती है, तो इनमें से किसका उपयोग, किसको इस्तेमाल कर सकते हो? जूता लेकर आते हो, जूते के डब्बे में छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, लिखा होता है, नहीं तो आपको पता होता है वो क्या होता है, वो होता है सिलिका जेल। तो आंसर वॉज सिलिका जेल, जिससे आप डेसिकेंट का यूज करते हैं, जिसको आप डेसिकेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वॉज दी, अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई? विच वन ऑफ दी फॉलोइंग वॉज दी फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड? सर पहला मिनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दे रखा है, एक क्वार्ट्स का दे रखा है और एक सफायर का दे रखा है। क्वार्ट्स का 1.46 और सफायर का 1.77, और हमसे पूछ रहे हैं कि उनकी वेलोसिटी, जो लाइट की वेलोसिटी है दोनों के अंदर, किसके हिसाब से होगी, किसमें ज्यादा या किसमें कम, ऐसे ही कुछ बताना है। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ध्यान से देखना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है तो वेलोसिटी जो है प्रकाश की चाल वो कम होती है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो यानी कि वेलोसिटी इन क्वार्ट्ज वो ज्यादा होगी किससे, वेलोसिटी इन सफायर, वेलोसिटी इन सफायर। एंड ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो आप एग्जाम में करके आए हैं, आपके पास क्वेश्चन था कि एक अवतल दर्पण है, एक कॉनकेव मिरर है, और उसमें एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव पोल के बीच में रखा है, यानी कि अगर ये कॉनकेव मिरर था आपका, यहां पे पोल था, यहां पे फोकस, आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, तो हमें याद होगा थ्योरी में पढ़ा था कि इससे बनने वाली जो इमेज होती है, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है, मैग्नीफाइड, पहला। दूसरा, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनता है। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है सर इरेक्ट, सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो ये सही है, हमें तो गलत ढूंढना है ना, ये सही है, मैग्नीफाइड भी सही है, वर्चुअल क्योंकि सीधा बनेगा तो वर्चुअल आभासी तो होगा, ये ऑप्शन गलत था, इसमें लिखा था कि इंफिनिटी, अनंत पे नहीं बन सकता सर, इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये आंसर इसका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
भाई इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसमें जो फिलामेंट होता है बल्ब का किसका होता है ये तो सबको पता है, टंगस्टन का होता है। इसको तो बिना देखे भी हम मार्क कर सकते थे, आपको ऑप्शन चेक भी नहीं करने थे इसके। बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, आपके पास एक सर्किट दिया था उसमें दो आर लिखे हुए हैं, आपको करंट दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखा है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों किसमें थे? ये दोनों थे पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में थे तो इनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? आर बाय टू। और हमें पता है V बराबर में क्या होता है? आई आर। वी कितना था? 12, और ये दिया था 100 मिली एम्पियर, तो 100 अपॉन में 1000 लिखेंगे इसको, और R की जगह R बाय टू लिखूंगा क्योंकि नेट रेजिस्टेंस R बाय टू है। दो जीरो से दो जीरो कट गया तो R मेरे पास कितना आ गया? 240 ohms। R कितना आ गया? 240 ohms। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर है। सिंपल मेथड था, आपको कुछ नहीं करना था, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी, ओम्स लॉ लिखना था, वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इसमें ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है? ऊर्जा का मात्रक, जूल तो ऐसा ही मात्रक होता ही है, वॉट आवर या किलो वॉट आवर ये भी होता है, न्यूटन मीटर। अगर ध्यान से देखो तो W जो होता है वो F इंटू S होता है, यानी कि न्यूटन मीटर होता है, और वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर हो सकता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ध्यान से देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सर वो एक्सेलरेशन होता है और ये आपका मास द्रव्यमान होता है, तो m इंटू ए जो है वो आपका F होता है, फोर्स। ये फोर्स का यूनिट दिया था बल का, तो ये आंसर नहीं है, ऑप्शन डी वॉज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी वॉज दी करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नॉट आया हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि बायोमास जो है वो रिन्यूएबल है, जो जैव संहति होती है, जैव मात्रा ऊर्जा, वो एक नवीकरणीय स्रोत है जिसको बार बार बनाया जा सकता है। दूसरा लिखा है गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन काउ डंग, गाय का गोबर जो फसल का बचा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, घर के अंदर इस्तेमाल हुई सब्जियों का टुकड़ा जो कूड़ा होता है और जो सीवेज होता है उसको हम किसी टैंक में डालते हैं, और वायु की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसीलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा लिखा है कि बायोगैस, अगर मैं बायोगैस का प्लांट लगाते हैं, मैं लगाऊं आप लगाओ, तो उससे आपका प्रदूषण कम होता है क्योंकि वो एक खराब चीज को एक अच्छी चीज में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये भी सही है, और हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस जो है वो बहुत कम होती है, ये गलत है क्योंकि ये 830 जूल के आसपास होती है, जो कम नहीं है, जो कम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन जो सही था दैट वाज ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास जो आता है, अगेन अ बायो क्वेश्चन, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक जीवों में न्यूक्लियर रीजन जो नाभिकीय क्षेत्र है इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, उसके आसपास एक झिल्ली नहीं होती सर। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जो ये आपके पास अनडिफाइंड, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उस नाभिकीय क्षेत्र को क्या बोलते हो? अगेन अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसे केंद्राक, केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? कौन से प्लांट टिश्यू में डेड सेल होते हैं? 10th क्लास अगर आपने प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ा है तो स्क्लेरेनकाइमा होता है जिसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ये आपका आंसर था इसका। दृढ़ोत्तक लिखा हुआ है इसमें हिंदी में, आप आंसर मार्क अपने चेक कर सकते हैं इससे।
अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। हमें पता है मसल्स के साथ कार्टिलेजेस होती हैं, तो वो कहां पे उपस्थित नहीं होती, तो कार्टिलेज इनमें से कहां नहीं होता, यहां पे लैरिंग्स में जरूर होता है, क्योंकि लैरिंग्स हमारी फूड पाइप जो ऊपर से नीचे जा रही है, नोज नाक में तो होगा ही, ईयर कान में भी होता है। आपका जो हिस्सा होता है, जो ऑर्गन होता है जहां पर कार्टिलेज एब्सेंट होता है, वो होता है किडनी। किडनी में आपकी कार्टिलेज उपस्थित नहीं होती, और किडनी के साथ यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा होता है, तो इसीलिए आंसर वॉज डी, यूरिनरी ब्लैडर। उन्होंने डायरेक्ट किडनी नहीं पूछा, उन्होंने उसके साथ का हिस्सा लगा दिया। तो जिसको किडनी पता होगी वो अपने आप लिख देगा इसको। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दो उपग्रह, फिर से आपके पास ये ग्रेविटेशन का एक छोटा क्वेश्चन आया था, दो प्लैनेट हैं, दो प्लैनेट हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका रेडियस जो है एक का आर एक का फोर आर है, उनके टाइम पीरियड्स का रेशो केपलर थर्ड लॉ आप पढ़ के गए होंगे तो आपने कर लिया होगा। केपलर्स थर्ड लॉ अगर आपने किया होगा तो वो सही हो गया होगा क्वेश्चन। तो ये हो गया होगा टी वन बाय टी टू इक्वल्स टू आर वन बाय आर टू, और पावर में आपके पास आया होगा 3/2, तो दैट मीन्स T1/T2 आपके पास जब आएगा तो ये R और ये 4R पावर में 3/2, इसको कैंसिल किया तो यू विल बी गेटिंग द आंसर, आपके पास आंसर आया होगा 1/8। चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी वॉज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वॉज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक मेरे पास मेटालिक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में काटा और फिर उनको पैरेलल में लगाया, तो रेजिस्टेंस बताना है उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये तार थी दो इक्वल पार्ट्स में, तो हरेक की रेजिस्टेंस कितनी हो गई 10। अब इन दोनों पार्ट्स को अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकाली होगी आपने, 1/RT = 1/10 + 1/10, तो RT आ गया होगा 10/2 यानी कि 5 ओम। आंसर वॉज 5 ओम, ऑप्शन नंबर सी, आंसर वॉज 5 ओम, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इंपिंजेस परपेंडिकुलरली ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ्ड, द रेडिएशन फोर्स, जो रेडिएशन फोर्स है वो कितना हो जाएगा। एक समान तीव्रता का प्रकाश किसी पूर्णतया परावर्तक सतह पर लंबवत है, परावर्तक का मतलब होता टकरा के वापस, यदि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो इस पर विकिरण बल क्या होगा। तो याद रखना रेडिएशन फोर्स जो होगा आपके पास वो जितना आपको एरिया दे रखा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितना वो करा होगा उसके हिसाब से कर लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू चेक इट, चेक कर लीजिएगा। तो 1/A आपके पास, क्योंकि प्रेशर फोर्स, सॉरी, हां जी ठीक है, तो 1/A, तो आपका आंसर आएगा सर इसका, एरिया ऑफ द सरफेस इज हाफ्ड, उसको आधा कर दिया तो ये डबल हो गया सर, आंसर दुगना डबल हो गया सर आपके पास। क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। थ्योरी का क्वेश्चन था कि ह्यूमन आई के कौन से पार्ट पे इमेज फॉर्मेशन होती है। आंसर वॉज रेटिना, आंसर वॉज रेटिना, रेटिना पे बनती है। अगला क्वेश्चन, अ प्रोटॉन एंटर्स, पुराना एनडीए का क्वेश्चन था, जो पुराना क्वेश्चन आया था वो कुछ ऐसे था, वो कुछ ऐसे था, उसमें डायरेक्शन नीचे दी थी, इसमें डायरेक्शन ऊपर दे दी है, तो जब नीचे थी तो हमें पता है कि इस फिगर के लिए हमारे को जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, इट इज ऑलवेज आउटसाइड, वो हमेशा बाहर होती है, तो इसके लिए क्या होगा, इनसाइड दी पेज, इनटू दी पेज। निकालने के लिए आपको सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखना था, फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल्स एट ए स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये सही है। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सही है तो ट्रांसवर्स गलत। तो आंसर वाज ऑप्शन बी। हमारी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं होती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन था कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। शॉर्ट सर्किट में करंट एकदम से इंस्टेंटेनियसली बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है, तो वो आपके पास आएगा इंक्रीजेस सब्सटेंशियली, पर्याप्त रूप से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपके पास था चौक और मार्बल। चौक और मार्बल डिफरेंट फॉर्म्स हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं किसके, हमको पता है मार्बल जो है उसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम कार्बोनेट, और चौक का भी केमिकल नेम रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। क्लास 9 तक हमको ऐसा कुछ सिखाया जाता था और बताया जाता था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 2n2, ये सूत्र, ये फॉर्मूला, n कौन सा है, 1, 2, 3 और 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। तो ऑप्शन वॉज डी, 32 आंसर है इसका। आगे चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर। विनेगर क्या होता है, सबको पता है विनेगर जो होता है वो एसेटिक एसिड होता है, एसेटिक अम्ल होता है, CH3COOH। तो आंसर आपके पास, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन वॉज ए, पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, अ लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, किसी द्रव के भीतर आपने किसी द्रव को किसी ग्लास के बर्तन में रखा है, तो गहराई पर उस पे जो दाब लगेगा प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है P बराबर में एच रो जी। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो है एच रो जी। इसमें प्रेशर जो है वो हाइट पे निर्भर कर रहा है, डेंसिटी पे कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पे। तो चेक कर लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया, सर ये गलत हो गया। प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, ये सही है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड, ये गलत है। प्रेशर नीदर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन वॉज बी, ऑप्शन वॉज बी, आपका आंसर बी था। आखिरी प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों की गति के लिए, सर हमें पता है कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, क्या है वो, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य, तो इसको माध्यम की जरूरत थी, मीडियम की, इसीलिए ये वैक्यूम में निर्वात में गुजर नहीं सकती, निर्वात में वैक्यूम में गुजर नहीं सकती। पेपर इतना ही आसान था, जितनी यहां पे अभी काम करने में हमको टाइम लगा उतना ही समय आपको साइंस अटेम्प्ट करने में लगा होगा। पेपर वॉज इजी, वेरी इजी। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छा पेपर किया होगा आप लोगों ने। चलिए